नमस्कार, मैं आपका अपना राजन आई हमारे न्यूज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है श्री रविशंकर जी। इनका कार्यकाल समाप्ति की ओर जा रहा है और 5 साल में इन्होंने अपने जिस पद को पर जनता ने इनको बिठाया, निष्पक्ष काम किया। और आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, सरप्राइज बाइट। क्या ये पूरा मुद्दा रविशंकर जी से ही जानते हैं? आइए जी सर। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी राजन राही जी ने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात संज्ञान में ला के दिखाई है कि आजकल सभी सफाई सैनिकों के ऊपर उच्च अधिकारियों द्वारा एक सरप्राइज विजिट हो रही है, तो मैं राजन राही भाई आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये सरप्राइज विजिट तो हो रही है, लेकिन मैंने अपने जो मेरे प्रयास हैं और जो मैं कर सकता हूँ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके भी, उसमें मैंने सरप्राइज विजिट का विरोध किया है। क्योंकि सरप्राइज विजिट अगर कोई होती है तो उस सरप्राइज विजिट में क्या केवल सफाई कर्मचारियों की आप अटेंडेंस चेक कर रहे हैं? उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो बरसों से उनके एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो उनकी रेगुलेशन का काम है, जो उनका पेंशनरी विभाग है और जो करनामूल आधार पर जो सफाई सैनिक लगे हैं उनको पक्का करने का जो काम है, उस सरप्राइज विजिटिंग में ये बात भी सब चेक होनी चाहिए। और कैशलेस मेडिकल जो सेवा उनको मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। आयोग की तरफ से इस बात को बार बार बोला गया है, बार बार बताया गया है, और इस प्रकार के रोज़ जो है प्रोपेगेंडा चलाकर या किसी प्रकार का तानाशाही फरमान जारी करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? सफाई सैनिक एक वो सैनिक है जिसने 0 पॉइंट पर खड़े होकर किसी भी महामारी में दिल्ली की स्वच्छ व्यवस्था को, सफाई व्यवस्था को और सुंदर व्यवस्था को बनाए रखने में जो योगदान दिया है उसे कोई भी नहीं भुला सकता। और आप देखेंगे अभी महामारी गई है, पैंडमिक जो गया COVID-19, उसमें बिना प्रोटेक्शन के प्रशासन की ओर से उनको इस तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी जिससे उनकी कोई रक्षा सुरक्षा की बात हो, लेकिन सफाई सैनिकों ने अपना धर्म समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए उस पैंडमिक में अपना डेली का काम जो था 0 पॉइंट पर खड़े होकर किया और दिल्ली की स्वच्छता को और सुंदरता को और महामारी से बचाने में जो योगदान दिया है वो ये सभी उच्च अधिकारी इस बात को भूल गए हैं। और उसको बजाय उसका सरप्राइज विजिट करके अंदर उसको बता दिखाने के लिए उसकी समस्या, उनको बैठने की कोई सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, उनको किसी प्रकार की बाथरूम तक की सुविधा नहीं है। महिलाएं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरप्राइज विजिट के अंदर जो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो ऐसी सरप्राइज विजिट का क्या फ़ायदा? मैंने रखता हूँ, ये मैंने ज्ञानेश भारती जी को पत्र लिखा था, इससे पहले भी एक लिखा था, और आपको बड़ी खुशी भी होगी कि आयोग की तरफ से इस पर कई कार्रवाई हो रही है। और ये मैंने LG साहब को भी लिखा है कि इस प्रकार के जो आदेश हैं उन आदेशों को जो है तुरंत रोका जाए, ताकि दिल्ली की सफाई व्यवस्था और दिल्ली में जो अराजकता का माहौल है वो ना जो बन रहा है वो रोका जा सके। और अभी आपको मैं एक बताऊँ, आज भी मैंने एक लेटर इशू करा अपने पत्र के माध्यम से, सेंट्रल जोन के KC ने सफाई कर्मचारियों को जाके उनके वार्ड में उनको धमकाया अटेंडेंस पॉइंट पे और उनके डॉक्यूमेंट जलाने की बात कही। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ संजय राजन राय जी कि मैंने उसको यहाँ बुलाया है और जो मेरे से कार्रवाई बनेगी इस पद के अनुसार, इस कुर्सी के अनुसार और जो माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे दायित्व दिया उसके अनुसार जो एक्शन बनेगा मैं उस पर एक्शन भी लूँगा। और आप भी इस बात को देखना, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने सफाई सैनिकों की इस अत्यंत ज्वलनशील समस्या जो आजकल उनके ऊपर हो रही है, तो भी जा रही है, उस पर आपने मुद्दे पर बात करी और मेरे विचार सुने। जय भीम, जय भारत।